इन गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी नहीं बल्कि देश के प्राइवेट अस्पतालों में भी सुलभ होगा। 5 लाख तक का जो खर्च है उसमें अस्पताल में भर्ती होने के अलावा जरूरी जांच, दवाई, भर्ती से पहले का खर्च और इलाज पूरा होने तक का खर्च उसमें शामिल है। अब आयुष्मान भारत के थ्रू अगर आप जाएंगे तो सिर्फ 10% लोगों का इलाज होगा, बाकी 90% का इलाज नहीं होगा। ये तो मजाक हो गया कि 16,000 रुपए का इलाज कराया, 14,000 का इलाज कराया और फुल पेज का दे रखा है। अरे भाई, दिल्ली सरकार क्या स्कीम है कि अगर किसी का भी दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट होता है, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो भी 10 लाख रुपए भी खर्च होगा, तो दिल्ली सरकार खर्च करती है कोई भी पेशेंट है। तो ये दूसरा, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है इसके अंदर, इलाज तो हो नहीं रहा। वो है आयुष्मान भारत, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी से कि इन दोनों योजनाओं में क्या खास है और उसमें मोहल्ला क्लिनिक कैसे अलग है। फ्री है, सबके लिए फ्री है, गरीब है, अमीर है, जो भी है। और पिछले लगभग 1.5-2 साल के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मोहल्ला क्लिनिक में दिखा चुके हैं, वो इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि लोगों को ये योजना के हिसाब से बहुत लाभ मिल रहा है। आजकल आयुष्मान भारत की चर्चा हो रही है, ये क्या है? देखिए, आयुष्मान भारत तो मेरे को एक चीज़ समझ ही नहीं आती है, समझ से परे है बिल्कुल, कि सरकारी अस्पताल के अंदर आप इंश्योरेंस की बात क्यों कर रहे हैं? सरकारी अस्पताल, दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बिल्कुल सब कुछ फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं, टेस्ट फ्री हैं, ऑपरेशन फ्री हैं, एडमिशन फ्री है, इवन कैश काउंटर ही नहीं है, कोई भी आइएगा इलाज करा लीजिएगा। अब सरकारी अस्पतालों के अंदर आयुष्मान भारत के थ्रू आप इलाज कराना चाहते, पहली बात तो एलिमिनेशन आ गया कि आप 100 में से 20-25 लोगों का इलाज करना चाहते, बाकी का इलाज नहीं करना चाहते। अगर आयुष्मान भारत को आपने चेक करना है तो दिल्ली सरकार के किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाइएगा, वो राज्य है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जहाँ पर आयुष्मान भारत लागू है, वहीं के पेशेंट ज़्यादा है। आप LNGP में चले जाइएगा, GTB हॉस्पिटल में चले जाइएगा, भरे पड़े हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम आयुष्मान भारत में इलाज क्यों नहीं करा लेते? कहते सर जुमला है, अखबारों में विज्ञापन ज़्यादा है, इलाज कम है, इलाज का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। यानी कि आयुष्मान भारत के लिए पहले बीमार होना ज़रूरी है और आपके यहाँ बीमार होने की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, देखिएगा, आयुष्मान भारत के लिए तो क्या है कि आपको कहा गया कि आप इन बीमारियों का इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए, बड़ी बीमारी के लिए अस्पताल जा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिएगा, हेल्दी है मतलब एवरेज जो निकाला जाता है 5 से 10 OPD चाहिए 1 साल के अंदर, और एडमिशन जो चाहिए होता है 5 से 10 साल में एक बार चाहिए होता है। मतलब देखिए किस तरह से है कि आपको साल में 10 बार डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है तो वो तो आपको मिलेगा नहीं, और 10 साल में एक बार जरूरत पड़ेगी तब उसमें कुछ को मिलेगा। ये बिल्कुल जो एलिमिनेशन का सिस्टम है गलत है, सबके लिए होना चाहिए था अगर है जो भी, और दूसरा सरकारी अस्पतालों में करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कह सकते हैं कि पिछले 70 वर्षों में, खास करके जब 1945 में भोर समिति बनी थी तो उसने यही संकल्पना रखी थी कि लगभग 20,000 से की आबादी पर, 10,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र हो, और लगभग आपने भी उसी फिगर को लिया है। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक का हमारा कॉन्सेप्ट ये कि 10,000 की आबादी पर एक मोहल्ला क्लिनिक खोला जाए ताकि लोगों को पैदल जाकर, मतलब रिक्शा में या ऑटो में या बस में न जाना पड़े, मैक्सिमम 500-700 मीटर घर से दूरी पर, मैक्सिमम बता रहे हैं, वो पैदल जाके इलाज करा सके 5 से 10 मिनट की दूरी पर। लेकिन ये देखा जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक हर जगह खुल नहीं पा रहे हैं, उसमें आपको क्या दिक्कतें आ रही है? देखिएगा, 189 स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग 300 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अगले 2-3 महीने तैयार हो जाएंगे। दिक्कत वही है कि दिल्ली के अंदर, देखिए, जमीन और पुलिस केंद्र सरकार के अंडर है, और जैसे महाभारत में था ना कि कौरवों ने कहा कि सुई की नोक के बराबर ही ज़मीन नहीं देंगे, तो वही एटीट्यूड है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार के एजेंसीज का। DDA ने पहले हमें 2500 मोहल्ला क्लिनिक की जगह देने की बात करी, हाई कोर्ट में एफिडेविट भी दिया उन्होंने, बाद में मना कर दिया, कहते मोहल्ला क्लिनिक के नहीं देंगे हम, कुछ भी हो जाए। तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ राजनीति है कि इसको बनने के अंदर तरह तरह की दिक्कतें उत्पन्न करना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई इलाज तो जनता का ही हो रहा है ना, जनता तो इस देश की ही है, तो उसके लिए अड़ंगे अड़ाना या उसके अंदर दिक्कतें पैदा करना बहुत ही दुखद है। यानी कि इतनी दिक्कतों के बावजूद, मौजूदा केंद्र सरकार की तमाम अड़चनों के बावजूद भी आप कटिबद्ध हैं कि आप दिल्ली के, देखिएगा, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के सहयोग से इस साल के अंत तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाएंगे। 300 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 200 चल रहे हैं, 500 तो अभी हो ही जाएंगे, और बाकी 500 अगर जगह नहीं मिलेगी, जगह अगर बहुत ही दिक्कत आती है, नहीं मिलती है, तो हम किराए पर लेके चलाएंगे। दिल्ली सरकार का यह कमिटमेंट मुझे लगता है दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में है, और मुझे लगता है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी इसके लिए कटिबद्ध हैं।